ओनली फॉर गर्ल्स, ऑफिस ड्यूटी बॉयज़ भी भर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर गर्ल्स के लिए अच्छी जॉब है ये। तो जैसे जो लड़कियाँ 12वीं पास कर रखी है उन्हें, तो वो अपने ऑफिस ड्यूटी करना चाहती हैं, 500 डेस्क की ड्यूटी करनी चाहती हैं और ऑफिस की ड्यूटी करना चाहती, तो उनके लिए अच्छी पोस्ट है। जैसे अकाउंट जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, अकाउंट कम क्लर्क टाइपिस्ट है, ये ऑफिस ड्यूटी है और 12th पास से है। और अगर आप रेल में टीटी बनना चाहती हैं तो सीसीटीसी वाली क्लर्क वाली पोस्ट भर सकती हैं और ट्रेन क्लर्क वाली पोस्ट भी भर सकती हैं। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन बेस पर लड़कियों के लिए बेस्ट जॉब है, जूनियर अकाउंट्स ऑफिस ड्यूटी, असिस्टेंट कम टाइपिस्ट ऑफिस ड्यूटी, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ऑफिस ड्यूटी है। रिमार्क, जैसे जितनी भी ऑफिस वाली पोस्ट है, ऑफिस ड्यूटी जो होती है जिनमें ऑफिस वाली पोस्ट है, उनमें टाइपिंग टेस्ट भी आपको देना होगा, टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा। जैसे कि उसमें आपका CBT बन होगा, एक एग्ज़ाम CBT, दो एग्ज़ाम होंगे, दूसरा आपको टाइपिंग टेस्ट यानी स्किल टेस्ट भी देना होगा। और CCTC में और 10th क्लर्क में टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है, ये भी अच्छी पोस्ट है, लेकिन लड़कियों को ऑफिस ड्यूटी ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए ऑफिस ड्यूटी वाली जॉब बताई गई है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, 12th पास, अकाउंट जूनियर कम क्लर्क टाइपिस्ट ऑफिस ड्यूटी, 10th क्लर्क CCTC वाली ड्यूटी, ये लाइन ड्यूटी है। 10th क्लर्क और CCTC वाली लाइन में ड्यूटी होती है, लेकिन ऑफिस में ही होती है, रेलवे स्टेशन पर ऑफिस होता है उसमें ड्यूटी होती है, TT वाली ड्यूटी भी होती है और 10th क्लर्क वाली भी ड्यूटी होती है। तो आप ये भी चॉइस भर सकते हैं। और ग्रेजुएशन वाली लड़कियों के लिए जूनियर अकाउंट्स है, असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट है, ये ऑफिस ड्यूटी हैं, ये आप लोग इसमें भी फॉर्म भर सकते हैं। जितनी भी ऑफिस वाली ड्यूटी हैं या पोस्ट हैं उसमें आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा, CBT 1, CBT 2 और टाइपिंग टेस्ट। लेकिन 10th क्लर्क और CCTC के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।